News 18, India. उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में कथित परीक्षा लीक के आरोपों के बीच पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने जांच समिति का गठन कर दिया है। यह समिति कथित पेपर लीक की शिकायत, पेपर छपाई में गड़बड़ी, पेपर देर से पहुंचने और सनी लियोनी के एडमिट कार्ड मामले की जांच करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अभ्यर्थियों से प्रमाण देने को कहा था। शिकायत मिलने के बाद अब इस मामले की जांच एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई आंतरिक जांच समिति करेगी। अभी हम लोगों ने एक विज्ञप्ति की थी, उसके क्रम में एप्लीकेशन आए हैं मेल से, उसकी काउंटिंग, सॉर्टिंग और फिर उसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। जब परीक्षण हो जाएगा तो फिर निर्णय। मैम, स्टूडेंट्स आए थे 7 सदस्य, उनको क्या आश्वासन दिया आपने? नहीं, उनका ज्ञापन ले लिया, जैसे ज्ञापन दिया था तो उनका ज्ञापन हमने ले लिया, उसको भी परीक्षण में डाल दिया। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गए, जिसके बाद यूपी पुलिस भर्ती ने अभ्यर्थियों से शिकायतें मंगवाई, जिसके आधार पर आगे की जांच होगी। आपको बताते हैं कि क्या शिकायतें मिली और बोर्ड ने इसके लिए क्या कहा। दरअसल यूपी सरकार ने 60,000 से ज्यादा पदों पर सिपाही भर्ती निकाली जिसे लेकर परीक्षा हुई, लेकिन पेपर के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पेपर लीक का दावा किया। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब मामले की जांच होगी, इसको लेकर के सियासत भी गर्म है। समाजवादी पार्टी लगातार यूपी सरकार पर हमलावर है और अब जो एक्शन लिया गया है इसमें देखना होगा कि समिति जांच रिपोर्ट कब तक सौंपती है। यूपी सरकार ने 60,000 से ज्यादा पदों पर सिपाही भर्ती निकाली थी और इसे लेकर परीक्षा हुई, लेकिन पेपर के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पेपर लीक का दावा किया और दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर दी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले में एक्शन लेने को भी कहा। पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे के समय राहुल गांधी के नशे वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जिनकी अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के और मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कहते हैं। आगे उन्होंने कहा मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता दिए, अब ईश्वर रूपी जनता पर और यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी भड़ास निकाल रही है। उन्होंने कांग्रेस को घोर परिवारवादी बताते हुए कहा कि काशी और यूपी के नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा हुआ है और अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए मेहनत भी कर रहा है। दशकों दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना, लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है।
राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी का बचाव कर दिया और ये दावा किया कि राहुल गांधी ने तो सच बताया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा राहुल गांधी पर ही हमला बोल दिया। निश्चित तौर पर विकसित राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश, लेकिन नशे की जो प्रवृत्ति है पूरे देश में फैल रही है उस पर प्रधानमंत्री जी को सर्वाधिक चिंता होनी चाहिए और राहुल गांधी जी ने एक सत्य उजागर किया। राहुल गांधी ने जिस प्रकार की टिप्पणी काशी के युवाओं के प्रति की थी वह आपत्तिजनक है। उसने कहा कि वह काशी गए, वहाँ पर लोगों को लौटते हुए पाया, सड़कों पर लेटे हुए पाया, नशा करते पाया। हालांकि ये सच नहीं है, काशी का युवक आज संस्कृति से जुड़ा हुआ युवक है और वह देश की संस्कृति को समझता है, परंतु राहुल गांधी तो संस्कृति से बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं राहुल गांधी का, और इस प्रकार की भाषा काशी के युवकों के लिए करना, यूपी के युवकों के लिए करना, दिखता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी और कांग्रेस। किसानों के बहाने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब हम किसानों की बात करते हैं तो विपक्ष को परेशानी होती है। देश में कौन सा राज्य है जो 14 फसलें एमएसपी पर खरीदता है? किस दूसरे राज्य ने किसानों को दिए जाने वाले कर्ज की रकम बढ़ाई है? ब्याज और जुर्माना भी माफ कर दिया है। पंजाब के किसान अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में किसानों को वो मिल रहा है जो वहां नहीं मिल रहा। किसान समझ गए हैं कि कौन सी सरकार उनकी हितैषी है। तो उनको एक बड़ी तकलीफ होती है कि हम किसानों की जब बात करते हैं तो उनको लगता है कि किसानों की बात हम क्यों कर रहे हैं। किसान हमारे प्रदेश का अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, तो किसान की तकलीफ के अंदर हम भी शामिल होते हैं। किसानों के नाते से हमने जितना किया है शायद ही कोई और प्रदेश कर रहा हो। आखिर कौन सा ऐसा प्रदेश है जो 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है? कौन सा ऐसा प्रदेश है जो सब्जी और फलों पर भी भावांतर भरपाई योजना के नाते से करोड़ों रुपया दे रहा है? कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने पिछले 10 सालों से अपने जो मुआवजे की राशि है 10 गुना कर दी हो? कौन सा ऐसा प्रदेश है जो किसानों के नाते से उनके ब्याज और उनका जो ये जो पेनल्टी है उसको माफ़ करने की घोषणा करता है? हमने 1750 करोड़ रुपया माफ़ किया है। अब जब इतना से वो काम करेंगे तो तिलमिलाट उनकी स्वाभाविक है। और किसानों के मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तीखी बहस हुई है। हुड्डा ने सवाल किए थे कि आप किसानों की बात कर रहे हैं तो ये बताइए कि एनएसए आखिर क्यों लगा दिया शांति प्रिय किसानों पर, जिसका जवाब मनोहर लाल खट्टर ने दिया और ये कह दिया कि किसान जितना प्यारा आपको है उतना प्यारा ही हमें भी है। मैंने खुद हल चलाया है, किसान हूँ और किसान का ही बेटा हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ। किसान जितना प्यारा आपको है उससे ज्यादा प्यारा मेरे को है। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ। ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एक नई वेब सीरीज पोचर लॉन्च हुई है। अपराध की कहानियों को उजागर करती ये वेब सीरीज 8 एपिसोड में बनी है। 8 एपिसोड के क्राइम ड्रामा में टैलेंटेड कलाकार हैं, जिनमें निमिषा सैजल, रोशन मैथ्यू और दिवेंदु भट्टाचार्य प्रमुख भूमिका में हैं। ऋचि मेहता की बनाई इस वेब सीरीज की सर अभी तक 360 किलो आलिया मिली है और इन्हीं बिचारों को मारते मारते दरिंदों ने 10.5 नील रुपीस की इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। नील क्या सर? कहना है कि लगभग 18 हाथी मारे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे तादाद कहीं ज्यादा होंगे। सन इंडिया की सबसे बड़ी रेड में 51 किलो आइवरी मिली थी। 75 किलो हाथी के दांत। सर अभी तक 360 किलो आइवरी मिली है और इन्हीं बिचारों को मारते मारते इन दरिंदों ने 10.5 नील रुपीस की इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। नील क्या सर? 1 crore crores। देखिए पोचर सिर्फ प्राइम वीडियो पर। आरुकू का कहना है कि लगभग 18 हाथी मारे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे तादाद कहीं ज्यादा होंगे। सन इंडिया की सबसे बड़ी रेड में 51 किलो आइवरी मिली थी। 75 किलो हाथी के दांत। सर अभी तक 360 किलो आइवरी मिली है